हाय फ्रेंड, आज मैं आपको कमिंस इंजन के बारे में ये बताऊंगा कि कमिंस इंजन में जो हेड के ऊपर हमारा जो राकर हाउजिंग लगता है, उस राकर हाउजिंग के लीवर में जो है ये छोटा सा होल क्यों होता है। आज हम आपको उसी के बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे और उसका फिगर भी दिखाते चलेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है राकर लीवर है और इस राकर लीवर में जो है ये देखिए, इसमें एडजस्टिंग स्क्रू भी है लगा हुआ है और साथ में जो राकर लीवर है उसमें बुश भी ऑलरेडी फिट कर दिया गया है। अब इसी के आगे जो है हम आपको और भी फिगर दिखाएंगे, वो सभी राकर लीवर और राकर हाउजिंग असेंबली के ये जो है हम आपको पूरा कंप्लीट दिखा देंगे। ये देखिए, ये जहाँ पर बुश लगा हुआ है इसमें देखिए दोनों साइड में इसमें होल होता है। एक होल क्या होता है, वो हमारा ये एडजस्टिंग स्क्रू की तरफ जाता है कि जिसके वजह से जो है हमारा एडजस्टिंग स्क्रू में भी ये होल होता है, उसके थ्रू जो है लुबाइल और ये देखिए एडजस्टिंग स्क्रू के में भी नीचे की तरफ भी एक होल होता है, इस होल के थ्रू जो है आयल जाता है और आयल जो है हमारा जो पुशरॉड होता है उस पर जाता है, जिसकी वजह से वो लुब्रिकेशन और कूलिंग जो है दोनों काम करता है। और ये देखिए, ये राकर हाउजिंग की असेंबली हम दिखा रहे हैं, इसमें भी देखिए लीवर में जो है ये होल है। इस होल का काम क्या होता है, जैसे जब लूब ऑयल जो है हमारा इस राकर हाउजिंग में आता है और राकर हाउजिंग से जो ऑयल ट्यूब लगा होता है उसे ये राकर शाफ्ट में आता है और राकर शाफ्ट में आने के बाद जो है ये जो हमने आपको राकर लीवर दिखाया है जिसमें दो होल थे, एक तो हमारा इस एडजस्टिंग स्क्रू की तरफ जाता है और दूसरा ये देखिए इनटेक और एग्जॉस्ट की तरफ जाता है। और ये जो होल जो दिखा रहा है ये क्या होता है कि ये हमारा जो क्रॉस हेड लगाता है, ये जो हेड के ऊपर क्रॉस हेड लगा होता है उसी के ऊपर रहता है, तो इसकी वजह से जो लुबाइल इस यहाँ से आता है, एक तो वो क्रॉस हेड पे जाता है जिसके वजह से क्रॉस हेड की हमारा लुब्रिकेशन भी होता है और जहाँ पे क्रॉस हेड माउंटेड होता है वो भी लुब्रिकेट होता रहता है। और साथ ही में जो हमारा क्रॉस हेड की वजह से जो है हमारा आयल जो है थोड़ा वाल्व पर भी लुब्रिकेशन के लिए जाता है, क्योंकि क्रॉस हेड जो होता है दोनों वाल्व के ऊपर ही रखा होता है, उससे जो है वाल्व का भी लुब्रिकेशन आराम से होता रहता है। तो ये जो है इसीलिए ये होल रहता है जिसकी वजह से हमारा पुशरॉड भी लुब्रिकेशन होता है, कूलिंग होता है और क्रॉस हेड भी जो है हमारा लुब्रिकेट कूलिंग होता है, ताकि जो भी टेम्परेचर आता है वो उसको ठंडा करता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों और टेक्नीशियन को भी शेयर करें। थैंक यू।